लोगों द्वारा सोते समय एक मंत्र जपने की परंपरा है ताकि वो उस बिंदु तक आ सकें, मगर भारत में सुप्रभात होता है। प्रभा का मतलब है भोर या रोशनी। सुप्रभात का अर्थ है, शायद अंग्रेजी में हम इसे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। आपको गुड मॉर्निंग कहा जाता है शब्दों में नहीं, बल्कि ध्वनियों की एक व्यवस्था द्वारा। आज सुबह जागने का मतलब है कई तरह से पुनर्जन्म। नींद में आपके लिए दुनिया नहीं होती और अब आप फिर से वापस आते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आप कैसे बाहर आते हैं, यह आपके दिन के बारे में कई चीजें तय करेगा। आज आपका जीवन किस दिशा में जाएगा यह इससे तय होगा कि आप किस तरह से बाहर आते हैं। तो मुझे यकीन है कि पिछली पीढ़ियों में ज्यादातर भारतीयों ने इस पर गौर किया होगा। जब वो सुबह उठते थे, उनकी दादियां माएं हमेशा शिव या शंभो या हर हरी ऐसा कुछ बोलते हुए उठती थीं। मगर इस स्पंदन में सोने का एक तरीका है। तो आप किस तरह की ध्वनियों में जगते हैं वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृति और आपके जीवन का भविष्य तय करेगा। वो समय जब आप आधे जगे हुए और आधे सोए होते हैं, अगर आप उसके प्रति जागरूक हो सकें। मैंने जागने की अवस्था से नींद के उस बिंदु के बारे में कई बार कहा है। रात में जब आप नींद में जाने लगते हैं, जागने की अवस्था से नींद तक अगर आप जागरूकता में जा सकें तो आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। तो लोगों द्वारा सोते समय एक मंत्र जपने की परंपरा है ताकि वो उस बिंदु तक आ सकें, मगर शुरू में आप देखेंगे कि आपको मंत्र जपते हुए नींद आ गई, मगर आपको याद नहीं आता कि आप कब सो गए। इस स्थिति तक आने में थोड़ी जागरूकता लगती है, मगर जागना अधिक आसान प्रक्रिया है। इसका महत्व सोने जैसा नहीं है, मगर जागना अधिक आसान चीज है, क्योंकि जागने की प्रक्रिया एक तरह से चरणों में होती है। वास्तव में शांति में जागना सबसे बेहतरीन चीज है। लेकिन अगर आपको संदेह है कि आप सही समय पर जाग पाएंगे या नहीं, तो कम से कम जागने के लिए सही ध्वनियों का इस्तेमाल करें, न कि ऐसा रिंगटोन जो आपको नींद से झकझोर कर उठाते, वो धीरे धीरे आपको नींद से बाहर ले आए। ये कई रूपों में दिन और जीवन के लिए भी संदर्भ तय कर देगा। अगर आप कोई वैराग्य मंत्र इस्तेमाल करते हैं जिसे आपने अपने मंत्र के रूप में पहचान लिया है, तो वो आपके जागने के लिए सबसे बेहतर रहेगा। Thank you.